तो ऑलमोस्ट देख लीजिए वेट कितना है, डिक्की मेरी फुल, सामान देख लीजिए दो बैग है, एक दो देखिए भाई झरना कितना ज़बरदस्त, पूरे पहाड़ हैं, हरे पहाड़, इन्हीं पहाड़ों पे चल रही है हमारी S1 Pro। ये देखो ऑफ रोड, इन ऑफ रोडों पे कोई दिक्कत नहीं है स्कूटर को, कोई नॉइस नहीं है। ये हैं ऑनर यहाँ के, बहुत ही मतलब बहुत मज़ा आया रहने का, हम आके नहाए भी, रिलैक्स भी हुए, बहुत ही रीज़नेबल रेट हैं। नौराधार मात्र ही 500 मीटर है यहाँ से, तो जब भी आप आएँ चूरधार तो यहाँ स्टे जरूर करें, आपको घर जैसा फील होएगा, सेफ एंड साइड। हमारी देखो मेरी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों बाइकें यहीं खड़ी थी परसों की, इवन पार्किंग के भी यहाँ लोग पैसे लेते हैं, इन्होंने वो भी नहीं लिए। तो यही है, अभी निकलते हैं हम नौराधार से राजगढ़, राजगढ़ से अपना कुमारहट्टी और फिर चंडीगढ़। तो चलते हैं, निकलते हैं आगे। 100% बैटरी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो भाई ने हमारा लास्ट वीडियो में पूरा साथ दिया था, तो अभी देखते हैं चलते हैं। अब ऑलमोस्ट डाउन ही है तो चलते हैं ना। ओके गाइस, तो फिर हम निकल रहे हैं नौराधार से, ये हमारी ईवी, ईवी वाले तैयार हो गए, एक्टिवा वाले आ गए, तो ईवी भी निकल चुकी है। तो ऑलमोस्ट देख लीजिए वेट कितना है, डिक्की मेरी फुल, सामान देख लीजिए दो बैग है, एक दो पीछे कुनाल, तो डाउन हिल है, अभी अच्छा रीज़न मिलेगा। तो FZ और हमारे FZ पे कैमरामैन अनुपम के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए गाइस, ये S1 Pro हमारी कौन से रोडों पे जाती हुई, ये है सिरमौर के रोड, तो सिरमौर में पहुंच गई। अभी हम 4 किलोमीटर आए हैं और 98 से मैंने स्टार्ट कर रहा था, रीबूट हुई थी तो 2% लॉस हुई थी, तो 166 की रेंज अभी, और 4 अगर ऐड करेंगे तो वही 170 की निकल के आ रही है। बैटरी कोई भी हमारी यूज़ नहीं हुई, बट 98 से स्टार्ट हुई थी। तो अभी देख लीजिए रोड, इन्हीं रोडों पर चल रही है हमारी S1 Pro। देखिए भाई झरना कितना ज़बरदस्त, ठीक है जी, झरना देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से निकलता हुआ पानी, देख लीजिए सिरमौर के रोड कितने ज़बरदस्त हैं, पूरे पहाड़ हैं, हरे पहाड़, इन्हीं पहाड़ों पे चल रही है हमारी S1 Pro। तो अभी बैटरी हमारी बिल्कुल भी खर्च नहीं हुई, वही 165 अभी रेंज, एक किलोमीटर की रेंज गिरी है, तो अभी अप हिल स्टार्ट है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो इसमें हम इको मोड पर ट्राई कर रहे हैं, और दो लोगों के साथ बैग, दो बैग हैं, डिक्की फुल है, तो चल रही है ऑलमोस्ट, तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, देखते हैं कहां तक चार्ज करनी पड़ेगी। जाना चंडीगढ़, टोटल जाना में 150 किलोमीटर के अराउंड, 140-150 आपको दिखा देंगे, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। सिरमौर, ठीक है, चल रही है हमारी S1 Pro, 12 किलोमीटर आ गए हैं और 100 नॉर्मल मोड पे अभी 124 की रेंज है। इको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपहिल है और थोड़ा हम तेज़ ही चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना है, बारिश का नहीं पता, तो आगे डाउन हिल है, तो अभी खाना भी खाना है, तो एक घंटा जहाँ खाना खाएँगे वहीं चार्जिंग पर लगाएँगे, तो उतने में चार्ज हो जाएगी और उतने में हमारा खाना भी हो जाएगा। तो चार्जिंग आते हुए मैंने देख लिया था स्टेशन, तो
वहीं हम ट्राई करेंगे। वही मैंने आपको बताया ना कि बिजली आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन ये स्कूटर लोकल के लिए अच्छे हैं। लॉन्ग रूट के लिए लेके जाओगे तो आपको वही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। स्कूटर बहुत अच्छा है, नो डाउट 11,000 ऑलमोस्ट होने वाला है, 11,000 कंप्लीट बहुत होते हैं। तो 11,000 में मेरा सिर्फ एक डिस्क पैड यूज़ हुए हैं, तो मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका 33,000 का तेल बच गया है। 33 में से आप 3,000 फ्यूल के इलेक्ट्रिसिटी के रख लो, 30,000 की आपकी सेविंग है। ये देखो ऑफ रोड, इन ऑफ रोडों पे कोई दिक्कत नहीं है स्कूटर को, कोई नॉइस नहीं है। नॉइस की प्रॉब्लम पहले थी स्क्रीन में, वो मैंने सही करवा ली, लॉक मेरे लूज़ हो गए थे, ठीक है जी। तो यही है, बने रही अपडेट के लिए। तो अभी हम चले थे ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और बारिश होगी स्टार्ट, तो चलो बारिश भी तो पड़नी है, बरसाते हैं, तो बारिश की बूंदें बहुत तगड़ी तगड़ी। ठीक है, बारिश हो गई थी बीच में स्टार्ट, अभी हमारी बैटरी 70% ख़त्म हुई है और हम आए 32 किलोमीटर, ठीक है, डाउन हिल, ठीक है। तो अभी यहीं करेंगे लंच, फिर निकलते हैं, तब तक चार्ज भी लगाते हैं, बिल्कुल भी मना नहीं करा, यहीं पोर्ट से लगा देंगे चार्ज, ठीक है। परांठे के साथ देखो आप, परांठे के साथ प्रॉपर, मतलब जैसे आपको खाना मिलता है, ये देखो परांठे, और हमारी नॉर्मल थाली है, इसमें देखो पूरा A to Z, तो ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी, और घी पड़ा देसी देखो। तो राजगढ़ जब भी ख़त्म होता है ना नौराधार की तरफ, तो यहाँ कर सकते हैं, हमने कल भी यहीं करा डिनर, तो अच्छा लगा तो आज भी करा। अब देखिए, और हमारा लंच भी हो गया, तो यही बोलते हैं भगवान की कृपा है। तो 10% अप्रॉक्स आधे घंटे में ही 8-9% चार्ज हुई। मैं आपको बैटरी का स्टेटस बता दूँ, 84 पे स्टार्ट करें, 92 होगी, ठीक है। तो बस अभी निकलते हैं, और अभी हमारे पास यही 125 की है, तो ऑलमोस्ट हमें 110 किलोमीटर जाना है, तो पहुँच जाएंगे बड़े आराम से। और वैसे भी डाउन हिल है मोस्टली, अपील यही है 10 किलोमीटर, तो 16 है 40, उसके बाद निकलेंगे आगे, क्योंकि बारिश ख़त्म होगी ऑलमोस्ट, देखिए तो निकलते हैं आगे। कितनी प्यारी है, पहाड़ देखो दोनों तरफ, बीच में बह रही है नदी, और नदी का नाम तो नहीं पता, लेकिन 16 रह गया, 20-22 और कुमारहट्टी भी इतना ही अप्रॉक्स। तो हम 16 नहीं जाएंगे, हम सीधा कुमारहट्टी, फिर निकलेंगे चंडीगढ़। और बैटरी जो हमारी खर्च हुई ना अभी तक, 98 से स्टार्ट कर रहा था, रीबूट करी थी, 98 थी बैटरी, तो 98 और 10% हमने चार्ज करी, 108 87 अगर आप लेस करोगे ना, 22% बैटरी में 51 किलोमीटर आ गए, और खूब तेज आए, ऐसा नहीं स्लो स्लो पहाड़ों पे, आपको पता है 20 की स्पीड भी बहुत है, 28 हमने इनफ रखी टॉप 50 पर, तो खूब अच्छे से आ रहे हैं। तो चलते हैं अभी आगे, ठीक है, FZ वाले भाई हमारे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए आगे डीजल वाला टेम्पू, तो इसमें सेब से लदा हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा अपहिल नहीं है, नॉर्मल से चढ़ाई है, लेकिन इस पर भी बड़े मुश्किल से चढ़ पा रहा है। अप्रॉक्स 50 से ऊपर पीछे गाड़ियाँ हैं और 30-40 से ज़्यादा आगे हैं, तो इसने ही कितना जाम लगा के रखा है, क्योंकि चढ़ ही नहीं पा रहा है। तो यही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई होता तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी खबर छपकी होती कि भाई EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चल नहीं पा रहे हैं। तो यही है यार, इतना भी बदनाम मत करो, ये व्हीकल बहुत अच्छे हैं, इवन आपकी 150 cc बाइक जितनी पावरफुल है हमारी ओला, अगर आप हाइपर मोड यूज़ करते हो तो आपका 200 या 250 cc से ऊपर वाली बाइक जितनी पावर है। तो अप्रॉक्स मैंने 11,000 किलोमीटर राइड कर दिया ओला इलेक्ट्रिक पे अपने, और मेरा फर्स्ट EV है, तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इससे, बहुत ही मज़ा आता है चलाने में। पहाड़ों पे कोई भी परफॉर्मेंस का इसका बिल्कुल भी लैग नहीं लगता कि नहीं चढ़ पा रही, बहुत पावरफुल है। इवन मैंने पूरा ये ट्रिप नॉर्मल मोड पे ही करा, हाइपर बड़ी हद मैंने 10 सेकंड के लिए लगाया होगा, वो भी छोटा मोटा, कहीं मैंने रोकी होगी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे, तो सिर्फ उठाने के लिए, बाकी ओवरटेक करने के लिए भी मैंने नॉर्मल मोड पे ही ओवरटेक करा है। तो बहुत ही अच्छा व्हीकल है। सबसे मेन चीज़ म्यूज़िक का जो मज़ा है ना, वो इन्हीं हिल्स पे है, म्यूज़िक लगा के रखो और अपना सफ़र, बड़े आराम से आपका सफ़र निकलेगा, बहुत ही मज़ा आता है पहाड़ों पे म्यूज़िक लगा के ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने का।
तो बढ़ते हैं फिर आगे चंडीगढ़ की तरफ। अभी भी हमें अप्रॉक्स 60 या 70 किलोमीटर और जाना है। रेंज भी इनफ है, काफ़ी अच्छा आते हुए बेनिफिट मिल रहा है। सो स्टे ट्यून गाइस, बने रहिए, पहुँचते हैं फिर आगे चंडीगढ़। कुमारट्टी वाला जो रोड है ये सोलन की तरफ लेफ्ट चंडीगढ़, ठीक है जी। तो निकलते हैं आगे, गाने सुनते हुए आ रहे हैं। बैटरी की अपडेट देता हूँ मैं आपको, देख लो बैटरी है यानी कि 55% में 88 किलोमीटर आए हैं हम। अभी पूरा डाउन हिल है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बैटरी यूज़ होएगी, तो चलते हैं आगे। यहीं रुके हम, मतलब कुमारट्टी से 3 या 4 किलोमीटर नीचे, तो अभी यहीं रुके हैं फिर हमारे उधर आते हुए। चल बन्ना, चलो फिर निकलते हैं। वैसे भी 30 किलो में अब तो खींच जानी गड्डी। फिर से अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा करते हैं हम रेनकोट डाल लेते हैं। देता हूँ मैं अप्रॉक्स, मैंने यानी कि 10% चार्ज करी थी, तो 70% में 105 की रेंज निकल के आई है। और मैंने रीजन पे ध्यान ही दिया, मैंने खूब भगाई, तो ये है अभी बारिश हो गई है। तो मैंने कहा था ना ये वाला मौसम ऐसा है, बारिश तूफ़ान, ठीक है, धूप सर्दी सब कुछ मिलेगा इस ट्रैक पे। तभी निकलते हैं आगे। ये निकल गया चंडीगढ़ को, सीधा निकल गया जीरकपुर आपका पंचकुला वाली साइड। तो अब हमारे मित्रों को कहते हैं अलविदा, ठीक है जी, तो यहीं लगाते हैं थोड़ी देर और करते हैं विदाई। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, तीनों दोस्तों को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, काफ़ी सपोर्ट करा। हम भी आपको पूरा पूरा थैंक यू बोलना चाहेंगे। क्या बात यही तो, है दोस्ती भाई। हाँ यही है दोस्ती, टीम बॉन्डिंग यही है, तो काफ़ी मज़ा आया यार, तो यहीं लगाते हैं अब, ठीक है जी, तो कहते हैं अलविदा। तो इस ट्रिप में जो मेरे को दिक्कत लगी ओला में, वो लगी सिर्फ जाते हुए चार्जिंग की। अगर फास्ट चार्जर होता तो हमारा जो 1.5 घंटा वेस्ट हुआ वो अप्रॉक्स हमारे 45 मिनट वेस्ट होते, और फुल बैटरी होती और हम वही कंजूसी से नहीं चलते। जाते हुए ट्रिपली करवाई FZ पे, तब जाके हमारी ओला S1 Pro पहुँची, क्योंकि लास्ट के 10% में वो पावर नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं चली, चल रही थी पहाड़ों पे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका ध्यान मेन रखना, मैंने ऑलरेडी बताया चंडीगढ़ टू नौराधार ट्रिप में कि आपकी जब 10% रहती है तो पावर नहीं रहती है, सिंगल में चलेगी लेकिन डबल में नहीं चलेगी। तो ये ट्रिप बहुत इन्जॉय करा, तो लास्ट में मैं बैटरी की भी आपको अपडेट देता हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि कितना खर्च आया, मेरा मात्र 80 रुपीज़ का खर्च आया टोटल इस ट्रिप का, जो कि EV का आया, जो कि मैंने एक्स्ट्रा ही पे करे, अदरवाइज़ मेरा 20-30 रुपीज़ की बिजली यूज़ हुई है इस ट्रिप में। तो और पेट्रोल व्हीकल का मेरे दोस्त का अराउंड 700 का पेट्रोल लगा है, तो यही बेनिफिट है, कहाँ 700 कहाँ 80 रुपीज़, तो कितना बेनिफिट है आप देख लीजिए। तो यही EV, इसलिए EV को फ्यूचर कहा जाता है। तो और मेन चीज़ क्या है कि देख लो मेरे में बूट स्पेस भी कितना है, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो यही है, अगर फास्ट चार्जर आ जाए ना तो इससे बेटर व्हीकल कोई भी नहीं होएगा लॉन्ग रूट के लिए। तो लोकल के लिए तो बहुत अच्छा है, लोकल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन लॉन्ग रूट की मैं बात कर रहा हूँ। तो निकलते हैं चंडीगढ़, लास्ट में बताता हूँ मैं आपको अपडेट, स्टे ट्यून। सर दम है गाड़ी में, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, हमारी गाड़ी भी दम है, तो ऐसा ही है यार, वो अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है, ठीक है जी। यहाँ से निकलते हैं राइट, तो देख लीजिए ऑलमोस्ट पहुँच गए घर, 16% रह गई बैटरी और डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि अब 10% हमने मान के चलिए 10% चार्ज करी थी, तो यही आप 6% यानी कि 150 प्लस रेंज निकली है, मोस्टली डाउन हिल था। तो ये रहे रिजल्ट, 149, टाइम हो गया 8:30, ठीक है जी। तो ये यार चार्जिंग पे लगा दिया, पहुंच गए घर, बारिश लगी है खूब, तो चलते हैं अंदर।